हेलो सो टूडे विल टेक अप द लास्ट ऐसे इन योर सी ई टू जीरो वन पेपर जो कि क्या है माइक्रो लैंडिंग टूअर्ड अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड बाय मोहम्मद यूनस इट्स अ वेरी यू नो ब्यूटीफुल ऐसे अ वेरी पावरफुल ऐसे जिसमें एक सपना शेयर करते हैं यूनस साहब अपना क्या है वो सपना जैसा आपको टाइटल से पता लगता है टुअर्ड अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड एक गरीबी मुक्त दुनिया की ओर यू नो सो इट्स अ ब्यूटिफुल ऐसे आई होप आप इसको अच्छे से समझें

सो ही वॉज़ अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन टू थाउजेंड सिक्स फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक तो हाँ शायद मोहम्मद यूनस का नाम आपने ग्रामीण बैंक के रिलेशन में सुना होगा ये फाउंडर है ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश में एंड विच पाए नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस तो माइक्रो मैक्रो ये जो प्री है प्रीफिक्स यानी कि जो शब्दों के पहले एक जो सेट जो uh, कुछ वर्ड्स लग जाते हैं तो मैक्रो मीन्स यू नो एट अ लार्ज स्केल जैसे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सो देन यूर टॉकिंग अबाउट यू नो कि किस तरह ग्लोबल uh, लेवल पे इकॉनमी चल रही है ट्रेड चल रही है जैसे इंडिया और चाइना के बीच में यू नो वैन यूर टॉक बिटवीन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज फॉर इंस्टेंस दैट्स मैक्रो लेवल माइक्रो इज़ लाइक द छोटे लेवल की जो इकॉनमिक्स यू नो विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि यू नो सो माइक्रो इकॉनमिक्स इज डील्स विद लाइक से इंडिविजुअल लाइक यू नो कि जैसे आर आपके जो आम सिटीजन्स के लेवल पे जो इकोनॉमिक्स हो एंड माइक्रो क्रेडिट क्रेडिट उधारी फाइनेंस वही सो माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस तो यू नो छोटे लेवल पे उधारी देना फाइनेंस करना लोगों को तो ग्रामीण बैंक का काम बेसिकली ये है कि यू नो दे गिव लोन्स टू ऑन्टरप्रोनर हुआ टू पुअर टू क्वालिफाई फॉर ट्रेडिशनल बैंक लोन्स क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी बैंक पे जाते हैं स्टेट बैंक या जिस पे भी जाते हैं तो आपके पास कई दस्तावेज़ होने चाहिए इनफैक्ट देर आर अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोन चाहें तो और जो Uh, बहुत जो गरीब जो वर्ग है जो लोग यू नो दे डोंट हैव दीज दे ऑफन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सच लोन शायद और या फिर यू you नो know, इतना फॉर्म फॉर्म पढ़ना पड़ता है इतना डॉक्यूमेंट्स है दे वुड रादर लाइक यू नो नॉट डू इट तो ऐसे लोगों को ग्रामीण बैंक लोन देता है कुछ ज़्यादा ट्रेडिशनली अदरवाइज इन लोग के पास ऐसे लोगों के पास यही ऑप्शन था कि यू you नो know, जो व्यापारी टाइप लोग जो बहुत ज़्यादा ब्याज पे uh, कर्जा देते हैं तब हिमाचल का मुझे इतना आइडिया नहीं है कुछ हिमाचल में उस तरह की यू you नो know, गरीबी भी नहीं है उस आ, लेवल की बट अगर आप उत्तर भारत ईस्ट इंडिया में जाएँ तो वहाँ पर इट्स वेरी इनसेन कि जैसे आ, ब्याज की दर रेट्स ऐसे होंगे कि अगर जैसे मान लीजिए आप सौ रुपये लेते हैं तो आपको कुछ महीनों में ऑलमोस्ट डेढ़ सौ नहीं तो ऑलमोस्ट दो सौ रुपये वापस करना पड़ेगा ना सो सच हाई इंटरेस्ट रेट्स जो कि इसीलिए सो so, एक शोषण ही है तो so, ऐसे पे आते हैं दिस प्रेजेंट एस हैज बीन टेकन फ्राम यूनस स्पीच एट ब्राई यंग यूनिवर्सिटी इन अमेरिका तो उस यूनिवर्सिटी में गए थे जहाँ पे उन्हें एक ऑनरे डॉक्टरेट मिल रही थी एक ऑनरे डिग्री पीएचडी की 1998 में तो so, ये तब का ऐसे दिया गया है एंड फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट आई एम शेयरिंग अ फोटो ऑफ यूनस देयर एट दैट यूनिवर्सिटी एंड देन या लेट्स स्टार्ट विद दी एस माइक्रो लेंडिंग लेंडिंग क्या है उधारी तो वही छोटे लेवल की उधारी और किस चीज़ के लिए टूवर्ड अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड एक गरीबी मुक्त दुनिया की तरफ जाने के लिए सो यू नो अगर जैसे लाइक यू नो सेज बाय ट्रस्टिंग स्मॉल एम्पावरिस्ड बोरोस प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स मोहम्मद यूनस फाउंड अ वे टू ब्रिज द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड ह्यूमन रियलिटी तो ट्रस्ट की एक तो बात है यू नो कि नॉर्मली जो है गरीब लोगों को शायद उधार बैंक इसलिए दे उनको लगता है कि ये लोग कभी वापस नहीं करेंगे बट इफ़ यू लुक एट इट यानी कॉर्पोरेट लोन जो हज़ारों करोड़ों पे जो जा रहे हैं जैसे विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा ये जो ऐसे कई चीज़ें हैं तो मोहम्मद यू नो इनके इंट्रोडक्शन में बताते हैं प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया और उन्हें लोन दिए और इसी के चलते यू नो ही सम हाउ ब्रिज द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड ह्यूमन रियलिटी जो यथार्थ है जो ह्यूमन जीवन का जो सोशल सिस्टम्स का जो रियालिटी है और जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज जो हमारे यू नो एक्सपर्ट्स बनाते हैं दिल्ली में बैठ के या कहीं पर भी यू नो शिमला में बैठ के तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहता है एज़ यू यू नो विच इज़ द सेम एज ए पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन कानून जो बना रहे हैं जैसे शायद यू नो जो हमारे जज व जो भी सब लेजिस्लेटर्स यू you नो know, उनको ग्राउंड लेवल की अधिकतर यू नो ऑन पेपर हमारा सिस्टम बच्चा बड़ा अच्छा है जैसे इंडिया में यू नो द ट्रिपल थिंग एम म्यूनिसिपलिटी या फिर पंचायत और फिर विधान स्टेट लेवल और फिर क्या है नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है लेकिन ऑन पेपर बहुत बढ़िया है बट एज़ यू नो कानून कागज पर कुछ होता है और हकीकत में कुछ किसी और ही तरीके से चलता है जैसे लाइक यू नो अलॉड ऑफ थिंग्स जस्ट थिंक अबाउट इट ओ व्या इलेक्ट्रिसिटीज़ है सो जस्ट थिंक अबाउट इट यू नो ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि तो uh, हमको बोला गया है कि अब आप रोज़ ऑनलाइन क्लासेस लीजिए जूम सेशन से ये सब लीजिए सो so, ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं बट अब खासकर भरमौर जैसी जगह में आप जानते हैं कि खासकर इम्पल कंपल्सरी कोर्स के लिए जिसमें सौ बच्चे होते हैं इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू कनेक्ट यहाँ पे उस तरह का सिग्नल आता ही नहीं है नो सौ बच्चों को कनेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है तो हम कैसे लें ऑनलाइन क्लास कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं है अब तो चलो अब इस साल सबने किसी तरह मेहनत किसी तरह कर लिया है बट स्टिल फिर डेटा का प्रॉब्लम है दो क्लास मैं लेता हूँ पाँच पाँच बच्चों के साथ मेजर स्टूडेंट्स के साथ डेटा इज़ डन सिमिलरली यू नो पॉलिसी वेस्ट मैनेजमेंट बैठे बैठे हम लोग क्या है भरमौर या किसी भी क्षेत्र का वेस्ट मैनेजमेंट का हम पूरा प्लान बना सकते हैं जी ऐसे होना चाहिए फिर ये होगा फिर ये करेंगे यहां से रिसाइकल होगा यहां से उठा के हम यहां भेजेंगे बट असल में आपको पता है इंप्लीमेंटेशन में क्या ही होगा और नहीं तो आप अपने पड़ोसी को ही अगर <laughs> कन्विंस कर ले कि कूड़ा नाले में मत डालो तो वही इतनी बड़ी बात होती है नो टू रैली पीपल इज इन वेरी डिफिकल्ट वैसी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी पॉलिसी क्या था इंटेंशन क्या था और हकीकत में क्या हुआ ये सब बातें हैं यू नो सो दीज गैप्स बिटवीन यू नो थ्योरी और रियलिटी में जो क्या गैप है उसमें मोहम्मद यूनुस जैसे लोग हैं यू नो दे ट्राई टू ब्रिज दैट कि बस बैठ के यूनिवर्सिटी में थ्योरी या फिर यू uh, नो you know, किताबें नहीं लिखनी है बस पी और जॉब नहीं करना है उससे आगे बढ़कर क्या है उनके ज्ञान का कुछ रियल वर्ल्ड में भी कुछ यूज़ हो यू नो एंड इकोनॉमिक्स दैट वे एटलीस्ट यू नो इज़ अ वेरी और इट शुड बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स इट टॉक्स अबाउट मनी इट टॉक्स अबाउट रिसोर्स लेकिन इसको भी हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो ये सब के बारे में हम ये हम क्या इनफैक्ट मोहम्मद यूनस बात करेंगे और उनके नजरे से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यू नो सो लेट्सार्ट विद द्रेजिडेंट बेटमैन लेडीज एंड जेंटलमैन सम ईयर्स बैक तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं यू नो ही स्टार्ट्स विद कि हाँ ये पहले भी इस यूनिवर्सिटी uh, में आए हैं बी में और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यह, यहाँ पर आकर और डिग्री लेने पर क्योंकि अब इनका पार्ट हो गए हैं एंड देन ही अ यूनिवर्सिटी कैंपस ऑलवेज एक्साइट्स मी दिस इज वेयर ड्रीम्स आर बोर्न क्योंकि यू you know? yeah. आप देखिए कोई भी जैसे जो इनफैक्ट जो नई सोच होती है क्रांति आती है वो हमेशा कॉलेजेस से ही यानी इवन एमरजेंसी टाइम पे ये सब uh, आजकल भी आप देखते हैं जो भी विद्रोह प्रोटेस्ट वगैरह होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही आगे होते हैं अब उनको हम देशद्रोही बोल देते हैं लेकिन जो ये जो इमरजेंसी टाइम पे मोदी जी जेटली साहब ये सब लोग भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे नो सो so, हाँ पास्ट भूल जाते हैं जब आप पावर में आते हैं सो ऑल ओवर बट या सो इन अ कैंपस यू नो क्योंकि यंग लोग हैं जो नई आइडियाज को सोच सकते हैं पुराने आइडियाज पे सवाल उठा सकते हैं और दिस इज़ वेयर ड्रीम्स आर बॉर्न एंड दिस इज़ द फ्यूचर यू नो कि आप लोग जो अभी कॉलेज में हैं यू आर लाइक यू नो ऑलमोस्ट नाउ इफ नॉट ऑलरेडी तो आगे चल कर आप ही दुनिया संभालेंगे सो यू यू नो नीड टू हैव ड्रीम्स एंड दिस इज वेयर अन टूवर्ड एजम्पन्स एंड अनफाउंडेड बिलीव आर स्मैश्ड इन टू अनरिकोगनाइजेबल डिबरी और यहाँ पर ये यह जो हमारी एजम्पन्स होती है या फिर जो अनफाउंडेड बिलीव होते हैं जो हम चीज़ें मानते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है वो सबको क्या है भुलाया जा सकता है बिकॉज दिस इज़ वेयर यंग माइंड्स फाइंड देयर शेप्स तो ही सेज द यूनिवर्सिटी कैंपस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड फिर वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि उन्हें हमेशा यू नो इट्स अबाउट शेपिंग यंग माइंड्स यंग माइंड्स को कैसे शेप किया जाए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका इन्होंने एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर दोनों नज़रिए से देखा है लेकिन फिर ये कहते हैं कि जब मैंने फाइनली कैंपस छोड़ा यू नो क्योंकि कई सवाल जो वही जो गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी वाली जो बात हम करते हैं तो इन सब सवालों के वो जवाब ढूंढना चाहते तो इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी से निकलना था यू नो बिकॉज ही ही सेज कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि जो हमारा वही जो एजुकेशन सिस्टम है खासकर जिस तरह से अब इज एन इकोनॉमिक्स टीचर ही टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स प्राइमेडली कि जिस तरह से हम इसे डिजाइन किया गया है जिस तरह से हम आइडियाज अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कहीं ना कहीं उसमें दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड ही गोज ऑन टू से आई स्टार्ट गेटिंग द फीलिंग That the world's worst social and economic problems are unwittingly created in the classrooms because they shape young people's minds too rigidly or without enough warning that our knowledge in social sciences is only tentative and that students should not take it as absolute truth, you know. क्या बोल रहे हैं इसमें कि इन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो दुनिया की जो हमारी सबसे जो बुरी सामाजिक और आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी क्रिएट हो रही है क्लासरूम्स में क्रिएट हो रही है जहाँ पे क्योंकि हम जो अपने जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है उनके दिमागों को हम बहुत रिजिडली एक ही तरफ एक ही तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं और ये नहीं उन्हें समझा रहे कि ये जो भी आपको जो ज्ञान जो थ्योरी दी जा रही है ज़रूरी नहीं है कि हकीक़त में भी ऐसा ही हो यू नो सो प्रैक्टिकल रियल लाइफ जैसे आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई वाज अ बी ए स्टूडेंट एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर तो क्या है उस समय बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स एक्सेट्रा लेकिन जब फिर मैं जर्नलिज्म में घुसा वैन आई बिकेम अ रिपोर्टर और जब मैं ग्राउंड में जाके लोगों से बात करता था तो मुझे रियलाइज हो जो थ्योरीज मेरे दिमाग में थी उनमें और जो ज़मीनी हकीकत में वही जो क्या है ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस तरह की बात है नो एंड ही सेज़ दैट या स्टूडेंट्स हमें see, अपने जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी यू you नो know? कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको आपने एक थ्योरी पढ़ ली है तो पूरी दुनिया आप उस थ्योरी से चलती है नहीं दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है बहुत यू नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और थ्योरीज़ कभी अक्सर यू नो किताबों में ही अच्छी लगती है सो ही सेज यू नो कि दैट वी नीड टू गो बियॉन्ड क्योंकि ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं फिर जो रिजिड होते हैं जिन्होंने एक ही तरफ सोच बनाकर कुछ ठान लिया है तो वही आगे चल कर क्या है uh, और खासकर ऐसे यूनिवर्सिटी से जो निकल रहे हैं वही आगे चल कर दे गो ऑन टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजिशन इन सोसाइटी यू नो आई एस वाई एस बन सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन बनते हैं लेकिन फिर वो उन्हीं आइडियाज़ की वजह से फ्लॉड आइडियाज़ की वजह से वो ये जो क्या है दुर्दर्श हमारी ये प्रॉब्लम्स आगे चलती ही रहती है एंड वी कैन नॉट सॉल्व देम यू नो देन सो द नेक्स्ट सेक्शन इज टाइटल इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का क्या Uh, प्रभाव है सो ही सेज आई फेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ माइंड सेट एंड रियाल्टी अराउंड मी वी आई आवर्स टीचिंग इकोनॉमिक्स एट चित्ग यूनिवर्सिटी इन बांग्लादेश इन द अर्ली सेवेंटीज़ तो अर्ली सेवेंटीज़ में चितंग यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और फिर ये नो अगेन दिस थिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट ये जो द्वंद्व है uh, थ्योरी और रियालिटी के बीच का इसमें ये, ये तब से ये इस, इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे कुछ जिस थिंक अबाउट इट यू नो कानून आप चाहे लाइक यू नो लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कि कुछ बिल uh, कुछ ऑर्डर आपके जो लोकल दफ्तर में यू you नो know, पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इट कम्स डाउन टू मे बी कि शायद उस दिन uh, जो ऑफिसर था उसका घर पर झगड़ा हो गया तो उसका मूड खराब है उसने साइन नहीं किया इट कैन कम डाउन टू दीज थिंग्स यू नो क्योंकि ह्यूमन सिस्टम्स इंसान लोग वही है ना कि कागज़ी सिस्टम्स में हम बोल देते हैं कि सब कुछ ऐसा चलेगा हम वी अज्यूम कि जो इंसान एक मशीन जैसा तो है ना इंसान तो इंसान है ना उसकी भी भावनाएं हैं सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स वेयर ऑल दीज थिंग्स कम इन यू नो की प्रैक्टिस एंड थ्योरी इन्फ्लुएंस होगा तो वहाँ पे ये कहते हैं कि सून माई इंथुजियाजम फॉर द एलिगेंट थ्योरीज आई वॉज टीचिंग स्टार्टेड वेयरिंग ऑफ तो थ्योरीज से इनका धीरे धीरे मन उठने लगा ऑल दो आई एंजॉय टीचिंग माई स्टूडेंट्स Uh, all the brilliant solutions to economic problems, I felt absolutely incapable of dealing with the massive problem, poverty and hunger that existed in the villages around the campus. कैंपस तो ये कैंपस है बढ़िया कॉलेज बनाया हुआ है तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे मुझे बड़ा आनंद तो आता था अपने बच्चों को पढ़ाने में कि हम सोल्यूशंस निकाल रहे हैं इकॉनॉमिक प्रॉब्लम्स के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पूरे यानी इनफैक्ट शायद देश की इकॉनमी को आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारना है ये सब बातें चल रही होंगी लेकिन मीन वाइल उस कैंपस के आसपास जो गांव में हर जगह बहुत ही ज़्यादा गरीबी और भूख थी और उसके सामने ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे नहीं कुछ समाधान नहीं था सो अगैन दैट थिंग यू नो थ्योरी एंड रियलिटी थ्योरी एंड प्रैक्टिस आई सून रियलाइज दैट देस अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द रियल लाइफ ऑफ़ द पुअर एंड द हंग्री पीपल एंड द मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी तो ये कहते हैं कि तब इन्हें रियलाइज uh, हुआ एहसास हुआ कि ये जो uh, जो गरीबों का जो जीवन है और जो इकोनॉमिक थ्योरी की जो एक मेक बिलीव एक काल्पनिक दुनिया है एक तरह से जो आपने नंबर्स थ्योरी से बना दी है इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है सो सो ही सेज इन अ मेजर वे इकोनॉमिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इंटर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स नेशन एंड इंस्टीट्यूशन एंड द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑल पीपल आर शेप्ड इन अ लार्ज वे बाय द रोल असाइन टू दम बाय इकोनॉमिक्स तो ये कहते कि इकोनॉमिक्स यू नो इज अगेन लाइक इकोनॉमिक्स इज मेंट टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो कई जो आ, जो हमारी जो दुनिया है काफ़ी कुछ उसकी वजह से शेप होता है इकोनॉमिक थ्योरीज की कि इंडिविजुअल्स के बीच में क्या इंटर रिलेशन है नेशंस के बीच में क्या इंटर रिलेशन है और दिन ब दिन की एक्टिविटीज़ यू you नो know, ये सब को इकोनॉमिक थ्योरीज काफ़ी क्या डायरेक्ट करती हैं क्योंकि जो हमारे जो ऊपर बैठ के जो अग्ञान जो कानून पॉलिसीज जो ऑर्डर्स हो रहे हैं वो सब यू नो दे आर बींग मेड बाई एक्सपर्ट्स एंड इकोनमिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट तो इसलिए वी नीड टू कीप दिस इन माइंड Uh, कि uh, चाहे जो भी इकोनॉमिक्स इज अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट यू नो तो इसलिए धीरे धीरे देन ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट कि कैसे इकोनॉमिक्स को ही हमें थोड़ा जिस तरह से जिस नजरिए से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देखते हैं और खासकर उसके उद्देश्य को देखते हैं उसे हमें क्या है बदलना होगा थोड़ा एडजस्ट करना होगा सो इकोनॉमिक्स बट क्या मीन वाली स्टिल गोइंग ऑन अबाउट दिस

दीज एक्टिविटीज बायीव इन वॉट इकॉमिक इकोनॉमिक्स के अनुसार जो कहते हैं कि लोग क्या हैं और उन्हें क्या करना चाहिए लोग वो मान लेते हैं you know? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए आप लोग को आपके अनुसार ये है कि अब आजकल जैसे क्या है सो अमिड ऑल ऑफ दिस यू नो ही हाँ तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इट डज़ अफेक्टस इवन चाहे गाँव में अगर आप बैठे हैं आपने इकोनमिक्स कभी पढ़ी नहीं है थ्योरीज नहीं पढ़ी है लेकिन कहीं ना कहीं यू आर स्टिल ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस क्योंकि आपको अगर अपना सामान भी बेचना है अपने क्या है जो क्रॉप्स बेचने या फिर फल बेचने सेब साफ बेचने हैं तो उसमें भी आपको यू नो यू आर स्टिल डीलिंग विद द मार्केट मार्केट के जो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई और प्राइसिंग के जो रूल्स हैं उनसे तो आपको जूझना ही पड़ रहा है और ऊपर से फिर क्या है जो ऑर्डर अलग कानून पॉलिसीज आ रहे वो तो फिर अलग बात है सो ही सज़ इकोनॉमिक टेक्स बुक्स क्रिएट द माइंड सेट्स माइंड सेट्स क्रिएट द वर्ल्ड तो ये जो माइंड सेट्स हैं जो धारणाएं हैं जो नज़रिए हैं वो इकोनॉमिक्स की किताबें स्टेट करती है क्योंकि यही इकॉनमिक्स फिर आगे जाके क्या है मेजर बैंकर्स बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं पॉलिटिशियंस बनते हैं लॉयर्स बनते हैं बहुत कुछ बनते हैं और फिर इन्हीं के द्वारा फिर क्या है दुनिया भी शेप होती है सो द नेक्स्ट सेक्शन देन ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स इन इकॉनॉमिक्स कि इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र में uh, इंसानों को कैसे देखा जाता है सो ही इज जस्ट सिंपली लाइक यू नो फ्रॉम द वेरी ऑनसेट ऑफ दिस सेक्शन इकॉनमिक्स हैज़ कमिटेड अ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक इन कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ ह्यूमन बींग कि इकॉनॉमिक्स ने एक बहुत बड़ी गलती की है क्या करने में एक इंसान को कॉन्सेप्चुलाइज करने में कि एक इंसान को आपने एक आइडिया बना दिया एक नंबर बना, you know, बना दिया है ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया है इट हैज़ एप्स्ट्रैक्टेड अवे फ्रॉम द वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऐसा करने में क्योंकि जब इंसान को आपने बस एक सिंपल लेबल बना दिया है या फिर इस तरह का जो एक एंटिटी बना दी है तो उसमें आपने क्या है उसकी कहीं ना कहीं एसेंस ही निकाल दिया आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हवा में बना दिया उस इंसान को एक नंबर बना दिया है और उसका जो एसेंस है जो उसकी असली इंसानियत है जो उसे इंसान बनाती है वो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया उसको आप देखते ही नहीं हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिव बींग्स सभी इंसानों में के पास क्या है क्रिएटिविटी है जानवरों से अलग है इसलिए ह्यूमन बींग्स जो क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी वो नया सोच सकते हैं या फिर बना सकते हैं इट कुड रेंज फ्रॉम एनी थिंग फ्रॉम अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम टू समथिंग लाइक अपने आसपास में आपने कुछ एक पेंटिंग बना दी वॉट एवर क्रिएटिव बींग्स सो ईच ह्यूमन हैज ग्रेट पोटेंशियल इन डिनिम और हर हर एक इंसान के अंदर वो एक बहुत आ, बड़ा पोटेंशियल है अगर उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले सही आ, संसाधन मिले तो बहुत कुछ कर सकता है हर इंसान यू नो तो क्योंकि वही जैसे आप सिंपल बात है यू नो मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिली अर्बन एजुकेशन डेली यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में तो यू नो मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से बात कर पा रहा हूँ बट कोई जो क्या है रोड पे जो बच्चा है जो भीख मांगता है अगर उसे ऐसे यही साधन मिलते तो क्या वो नहीं कर पाता क्या इट्स जस्ट डिफरेंस यू नो कि जन्म ऐसा हुआ कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और जो जो रोड पे जो भिखारी बच्चा है उसका परिवार उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ अगर इफ़ ही वॉज बॉर्न इन माई प्लेस अगर उसे स्कूल भेजा जाता अच्छे स्कूल भेजा जाता कॉलेज भेजा जाता तो शायद वो भी शायद वो मेरे से आगे होता है यू नो सो या दैट्स वॉट इट्स सेंग इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज तो सब इंसानों को अगर बराबर अपॉर्चुनिटी मिले तो तभी उनका जो असली पोटेंशियल है तब फिर बाहर आएगा और वो बस उन्हीं के लिए नहीं इट विल भी गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड यू नो कॉज ह्यूमन बींग्स आर लाइक दैट हर कोई कुछ नया ला सकता है और इसी से हम आगे बढ़ते हैं बट इकॉनमिक्स एज रिड्यूस ह्यूमन बींग्स टू लेसर बींगस वो दैन वॉट दे आर एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टिल लेसर बींग्स देन वॉट दे कुड बी लेकिन अर्थशास्त्र ने इंसान को क्या है बहुत ही एक तुच्छ प्राणी बना दिया है और यू you नो know, और वो क्या बन सकते हैं उस पर भी उन्होंने बहुत लिमिट्स लगा दिए हैं इकोनॉमिक्स एज पेड नो अटेंशन टू दिस क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स क्योंकि ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र ने इसे इग्नोर किया है इट हैज़ क्रिएटेड अ कैटेगरी फॉर लेबर पुट ऑल ह्यूमन बींगस एक्सेप्ट फ्रू ऑनप्रिन कैटेगरी तो बेसिकली जो मेजोरिटी जो इंसानों की जो संख्या है दुनिया में उनका उनको सबने आप उन सबको आपने क्या है लेबर एक शब्द एक लेबल दे दिया है कि ये तो क्या है लेबर काम करने वाले मजदूरी नौकरी करने वाले लोग हैं और बाकी जो क्या है थोड़े बहुत बच्चे हैं वो ऑन्टरप्रिनर है व्यवसायी जो कि क्या है कुछ नए आइडियाज लाएंगे कुछ नया काम करेंगे उससे क्या है उत्पादन होगा इकोनमी बढ़ेगी और जो लेबर है उन लोगों को नौकरी मिलेगी जी ठीक है सो so, ये डिवीजन कर दिया ये इंसानों को बेसिकली ऐसे कैटेगराइज कर दिया आपने एक एक शब्द के अंडर एज दे अपियर इन द टेक्स्ट बुक्स दोज इन द कैटेगरी और लेबर लुक मोर लाइक ड्राफ्ट एनिमल्स देन ह्यूमन बीइंग्स तो ये जो टेक्स्ट बुक है ये नो जो इन इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में अगर उसमें आप लेबर वाले जो लोगों की आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो क्या है जो बोझ के जो जानवर है जैसे गधे खच्चर टाइप के उनके जैसा है कि ये लोग को तो बस काम करना है दे हैव नो क्रिएटिविटी नो एम्बिशन नो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस प्राइड और एकम्पलिशमेंट उनमें इंसानियत की तो बात ही नहीं है कोई क्रिएटिविटी नहीं है कोई उनकी एम्बिशन नहीं है उन्हें क्या करना है जीवन में कोई गर्व नहीं है कोई उनके अकम्प्लिशमेंट नहीं उसे बस उनका बस काम क्या है किसी तरह नौकरी कुछ या कुछ भी काम करना है और आ, पैसा अपना कमाना है पेट भरना है एंड देट सिट यू नो उनका रोल वही है लाइक डू सम माइंडलेस जॉब पत्थर तोड़ो या जो भी करो और आप पैसा कमा के अपना पेट भरो अपने बच्चों का पेट भरो एंड दैट्स इट यू नो वर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नो जेंडर हाँ लेबर वालों का जेंडर भी नहीं है ठीक एटलीस्ट इन ऑफिशियल नंबर्स एंड ऑल लाइक यू नो कि ये सब हम मानते नहीं इट्स ऑल लेबर इफ यू हैव टू स्क्वीज आउट द वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन बींग टू बिल्ड अ सोशल साइंस थ्योरी हु हुई दैट सोशल साइंस और जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस यू नो इट्स अ सामाजिक विज्ञान है तो ये कहते हैं कि अगर ऐसे सामाजिक विज्ञान अगर ऐसा है जिसमें क्या है आपको इंसानियत इंसान की इंसानियत ही निकाल देनी पड़े तो क्या ऐसे सामाजिक विज्ञान ऐसे सोशल साइंस की क्या हमें जरूरत है सही में बाय नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड ऑल्सो द बेसिक इंस्टीट्यूशन दे कम फ्रॉम फैमिली द फैमली इकॉनॉमिक्स ऑल्सो मिसेज आउट ऑन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल अपॉर्चुनिटीज तो इससे कहते हैं कि इन सब खामियों की वजह से इकोनॉमिक्स का अपना ही घाटा है कि वो जो ये दुनिया को क्या है बेहतर नहीं समझ पा रहा है बिकॉज इकॉनमिक्स एज अ साइंट क्रिएटिविटी ओनली टू ओ सेलेक्ट राधर रेयर कैटेगरी ऑफ पीपल कॉल्ड ऑनटरप्रिनर्स ऑनटरप्रिनर्स व्यवसायी जो अपना कुछ बिजनेस करते हैं अपने आइडियाज लगा कर तो इकोनॉमिक्स के अनुसार बस ऐसे ही लोग जो कुछ बड़े रेयर महान लोग होते हैं वो ऑन्टरप्रिनर होते हैं आर ट्रीटेड एज रॉयल्टी इन इकोनॉमिक्स और ऑंटरप्रिनर क्या है राजा है क्योंकि वही क्या है उत्पादन का लीडर है नए आइडियाज लाता है नया काम करता है विकास होता है लोगों को जॉब देता है अगेन यू नो किताबों में ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है लेकिन असल में क्या होता है आप और मैं जानते हैं इकोनॉमिक्स हैज परसुडेड द वर्ल्ड दैट ऑल अदर ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न टू सर्व अंडर ऑनटरप्रिन तो इकोनॉमिक्स ने क्या है दुनिया को कन्विंस कर दिया है समझा दिया है कि जितने भी जो लोग हैं बाकी जो लेबर वाले लोग उनका क्या है उनका जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है कि उनको ऑन्टरप्रिनर के लिए काम करना है दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक्स एट एज इनसेंट पीस ऑफ एबस्ट्रैक्शन तो उस समय एक एब्सट्रैक्ट थ्योरी थी लेकिन अब धीरे धीरे ये हकीकत हो गई है यू नो इट कमिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ एडम स्मिथ एंड ऑल जब से पूंजीवाद फ्री मार्केट ये सब के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करने लग गए तब से क्या है ये आइडिया चल रहे हैं कि हाँ कुछ स्पेशल लोग होते हैं ऑन्ट्रप्रिनर जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाते हैं जॉब क्रिएट करते हैं और बाकी लोग का क्या है काम चुपचाप से इन लोगों के लिए काम करना है तो कहीं ना कहीं जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो अब हैं ठीक और लाइक यू नो ऑल दीज बिग बिजनेसमैन ऑल्सोनर्स फेसबुक मार्क ऑल ऑफ दीज पीपल लाइक Uh, this idea was a, uh, yet it has done very serious damage to human society by making an individual believe that he or she is fated to serve others. So कहीं ना कहीं यू नो आज ह्यूमन सोसाइटी समाज में ये एक बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट हो गया है क्योंकि जन्म से ही कुछ लोगों को ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है किसी के लिए काम करना, to serve others, नौकरी करनी है यू नो किसी के लिए। It has influenced uh, And the design of institutions, the framing of legislation and policies and the shaping of politics. ये इस चीज़ से क्या है सबका हर चीज़ को प्रभाव किया प्रभावित किया है इस आइडिया ने चाहे वो आप जिस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो जिस तरह से आप अपने पॉलिसीज़ और कानून बना रहे हैं और जिस तरह से आपकी राजनीति चल रही है वो इसी सिस्टम पर चल रही है कि हाँ जो अधिकतर जो आपके नब्बे पचानवे जो पॉपुलेशन है उसका काम क्या है बस आपके जो पावरफुल जो चार एक से पाँच लोग हैं उनके लिए काम करना है यू नो और सारी राजनीति भी फॉर इंस्टेंस अगर आप आजकल फार्म बिल्स की बात करें जो अगर आप जानते हैं विद्रोह चल रहा है बहुत दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है किसानों ने खासकर पंजाब हरियाणा एसेट्रा एक्सेट्रा मीडिया में कुछ और दिखा रहे का, काफी कुछ चल रहा है सो मेड ऑल ऑफ दिस यू नो इट्स बेसिकली प्राइवेटाइजेशन जो हर क्षेत्र में हो रही है तो फार्म बिल्स में आप देखें तो उसी तरह के कानून भी आ रहे हैं यू नो कि ऑनट्रप्रूनर है जो अंबानी अदानी ये जो रिलायंस विलायंस ये लोग आएंगे दीज आर द ग्रेट माइंड दीज आर द ग्रेट पीपल यही विकास लाएंगे इनका बाकी सब का चाहे मजदूर हो किसान हो इन सब का काम है इनके लिए काम करना है यू नो एक तरह से दैट इज वॉट इज हैपनिंग एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाएगा बट दीज दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ये जो एज ही से और दूसरे और एक तरह से आप जानते हैं फार्मर सुसाइड्स किसान क्या है हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये ऐसी अमाउंट्स के लिए क्या है अपनी जान दे देते हैं खुदकुशी कर रहे हैं दूसरी तरफ आप क्या है कॉरपोरेट लोन्स हज़ारों करोड़ों माफ़ी हो रही है कि ठीक है ये अर्थव्यवस्था डाउन है तो ये जो उधार ले रखा है इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ ने तो हम इनको माफ़ कर देते हैं ताकि ये लोग क्या है फिर आगे चल के थोड़ा उत्पादन करें जॉब बढ़ाएँ तो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था हमारी वापस ठीक हो जाए जो कि अभी नेगेटिव में चल रही है जी और दूसरी तरफ फिर एक बार जो क्या है आप कॉरपोरेट लोन्स माफ़ कर रहे हैं और फिर जो पब्लिक एसेट्स है जो आपकी जो अपनी सरकारी कंपनियां उनको आप इन्हीं कॉरपोरेट्स को बेच रहे हैं तो राइट लाइक यू नो सो ऑल दिस एब्सर्डिटी कहीं ना कहीं इट्स लाइक बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक थ्योरीज क्योंकि आप जैसे ये जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है जो कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट जो है और अब तो इनफैक्ट यू नो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म एक ही हो गया चाइना और कैपिटलिस्ट देश में ज़्यादा फर्क नहीं है बस उनकी सरकार करने का करने का तरीका अलग है लाइक यू नो But so, yeah, the whole point is like that, economic policies do guide everything. एंड दैट इज़ अ सैड पार्ट मोहम्मद यून सेज बिकॉज ऑफ दिस मिसकन्स्ट्रूवड विजन ऑफ ह्यूमन बींग्स क्योंकि ये जो धारणा बन गई है इंसानों के बारे में कि क्या है उनका काम बस उनका उद्देश्य बस नौकरी करना है तो इसीलिए क्या है नौकरी ही एक लोगों के मन में धीरे धीरे यही हो गया कि नौकरी ही एक चारा है यू नो ई दे कैन नॉट यूज़ है और इनफैक्ट कुछ लोग के पास अगर अपने आइडियाज़ हो भी हो अगर कुछ व्यवसाय करना चाहते हो उसके लिए भी क्या है पैसा चाहिए होता है एंड दैट्स वेयर देन ग्रामीण बैंक कम्स इन यू नो सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जो बात होती है सो दे द नेक्स्ट सेक्शन अनदर काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स की एक दूसरे तरह का अर्थशास्त्र एक ऑल्टरनेटिव मीडियम क्या हो सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव नजरिया क्या हो सकता है यू नो बॉज ही टूडे वी वीव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड इफ़ इकोनॉमिक्सर दट ऑल ह्यूमन बींगस आर पोटेंशियल बोलते हैं पूरी दुनिया ही अलग होती है अगर इकॉनमिक्स में हम ये मान कर चलते कि हर इंसान में क्या है वो पोटेंशियल है एक ऑन्टरप्रिनर बनने का ऐसा नहीं है कि क्या है आधे से जो मेजॉरिटी लोग बस लेबर ही रहेंगे नहीं उनमें भी पोटेंशियल है वो ऑन्टरप्रिनर बन सकते हैं बस उनको क्या है अपॉर्चुनिटी चाहिए सपोर्ट चाहिए अगर ऐसा होता तो क्या है यू नो द वर्ल्ड वुड पे अटेंशन टू क्रिएटिंग अगर ऐसा होता तो फिर क्या है हम ऐसे कानून बस सिंपली हमारे कानून और पॉलिसीज़ बस इसी पे नहीं चलते कि ऑन्ट्रप्रिनर को सपोर्ट करना है वही इकॉनमी को बढ़ाएंगे तब हमारा शायद नजरिया इस तरफ जाता कि हम सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी ज प्रोवाइड करने की कोशिश करें इक्वल प्रोवाइड करने की कोशिश करे जिससे सभी कुछ नया ऑनटरप्रूनरशिप या कर, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं फ्राम द पीपल हु लिव्ड अराउंड द कैंपस तो इसलिए जो हकीकत की जो इकॉनॉमिक्स है जिस तरह से अर्थशास्त्र असल में हकीकत में चलता है वो मोहम्मद यूनस कहते हैं वो उन्होंने अपने कैंपस के आसपास गाँव में सीखा The village next door became my university. The poor in the village became my professors. I learned another kind of economics, but this time it was real. और ये जो दूसरी तरह की जो economics मैं सीख रहा था ये हकीकत से जुड़ी हुई थी ये बस किताबी नहीं थी I was trained to believe that all people as they grow up should prepare themselves to get jobs in the job market. क्योंकि ये कहते हैं ये भी उसी system से आए हैं आर्थिक system जो educational system से तो ये इनका भी यही मानना था कि क्या है हर इंसान को हर इंसान का उद्देश्य क्या है जॉब मार्केट में जॉब ढूंढना नौकरी ढूंढनी यू नो लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं अपने खेत बैरें छोड़ के जा रहे हैं शहरों में आ रहे हैं नौकरी के लिए शहरों में चाहे यू नो आपको बुरी हालत हो आपको एक छोटे से गंदे से कमरे में पोल्यूशन के बीच में आठ लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है और दो दो घंटे आप रोज़ क्या है बस अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं लेकिन फिर भी यू नो बिकॉज दिस इज हाउ लाइक वी सी कॉन दिस इज हाउ वी सी वैल्यू कि वैल्यू क्रिएशन क्या है वैल्यू क्रिएशन ऑन्टप्रेनर का काम है बाकी जो पॉपुलेशन है उनका काम बस अपना किसी तरह पेट पालना है यू नो सो दिस ऑर ऑफ एन एटीट्यूड बट ही सेज बट फॉर द पोअर पोपल आई मेट द जॉब मार्केट प्रैक्टिकली डि नॉट एग्जिस्ट लेकिन ये जो अति जो जो गरीब से गरीब जो लोग हैं जो बहुत जो गरीब लोग थे जो इनके कैंपस के आस रहते थे तो इनके संदर्भ में कहते लेकिन इन लोग के लिए तो जॉब मार्केट प्रैक्टिकली डिड नॉट एग्जिस्ट था ही नहीं इनके पास जॉब मार्केट उस तरह का यू नो बिकॉज यू नीड टू हैव सर्टन स्किल्स टू गेट गुड जॉब्स नहीं तो फिर क्या आप बस पत्थर तोड़ेंगे मनरेगा टाइप का, का काम कर सकते हैं यू नो सो ही सेज कि अच्छा जॉब तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है फॉर सर्वाइवल दे कैरीड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दे ओन तो अपना ही कुछ छोटा मोटा काम करते हैं जैसे अगर आप अगेन उत्तर भारत की बात करें तो औरतें वहाँ पर पते इकट्ठा करती है कोई कोई लोग बीड़ी बनाते हैं इस तरह के काम होते हैं और उनके क्या है पूरा दिन लगाने के बाद हार्डली उनको शायद दिन में कुछ पाँच दस रुपये वो

आई वॉज शॉक टू सी हाउ पीपल सफर फॉर लैक ऑफ एक्सेस टू टाइनी अमाउंट ऑफ मनी एज स्मॉल इज वन डॉर तो इन्हें क्या है इन्हें भी क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड ये कहते हैं जब इन्होंने पहली बार देखा ये सब तो इन्हें शॉक लग गया कि इतनी छोटी रकम एज स्मॉल इज वन डॉलर जो कि कितना Uh, उस समय में शायद 50-60 रुपए था आजकल 70-80 रुपए चल रहा है तो 50-60 रुपए के लिए लोग भी इतना तरस रहे हैं और इतना सफ़र कर रहे हैं और इन्हें उस पर बहुत शौक लगा आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ मच हार्ड वर्क ईच पर्सन इज़ पुटिंग इन ऑन जस्ट फॉर मेयर सर्वाइवल और लोग कितनी मेहनत करते हैं यू नो जस्ट टू बी एबल टू सर्वाइव कि किसी तरह आप क्या है सर्वाइव कर पाए बस इसलिए इवन देन ही और शी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टे ऑल लेकिन फिर भी ये संघर्ष इतना मुश्किल है कि उनका कभी भी वो हमेशा इसी सर्वाइवल के मोड में ही फंसे रहते हैं यू नो सो लाइक ही हिस्टॉक पॉवर्टी कि किस तरह से उसे जकड़ के रखते है? आप गरीब हैं तो आपके पास फिर आगे चल के अपॉर्चुनिटी नहीं है आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते आप ढंग से क्या है आप कमा नहीं सकते हो क्योंकि पैसा आप कमाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए यू नो टू इन्वेस्ट कहीं अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी अगर दुकान खोलने के लिए कुछ भी धंधा शुरू करने के लिए यू नीड सम मनी यू नो सीड मनी टू स्टार्ट तो ना आपके पास एजुकेशन है उस तरह का स्किल्स नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही आपके पास कुछ कैपिटल है पूंजी है जिससे आप कुछ अपना शुरू करें तो बस आपका वही है छोट मोट काम करके आप किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं गुजारा कर रहे हैं यू you नो know? और इकोनॉमिक्स जो किताबी इकोनॉमिक्स की वजह से क्या है यूनस कहते हैं कि दुनिया के जो अधिकतर जो पॉपुलेशन है उनका यही हक हश रहे क्योंकि उन्हें बताया गया है पॉलिसीज़ और लॉज ये इसी तरह डिज़ाइन हो रहे हैं कि इन लोगों का काम ही क्या उद्देश्य ही बस सिंपली सर्वाइव करना है और काम करना है सींग हाउ द पुअर पीपल आर एक्सप्लॉयटेड बाय मनी लैंडर्स और फिर क्या है ये जो साहूकार व्यापारी बैरों की बात हो रही है कि कैसे वो लोग हाई हाई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे और लोगों को शोषण करते थे आई मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल हु नीड द मनी आई गॉट फोर्टी टू पीपल इन मे लाइक तो इन्होंने कुछ एक बयालीस लोगों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें ये uh, मदद कर सकते थे इन टोटल दे नीड ट्वेंटी सेवन डॉलर्स टोटल में इन लोगों को कितना पैसा चाहिए था बस ट्वेंटी सेवन डॉलर विच इज समथिंग लाइक शायद दो तीन हज़ार रुपये के बीच में तो इन्होंने यूनस ने सबको वो पैसा दिया अपनी तरफ से ठीक द पीपल हु रिसीव माई मनी वर वेरी हैप्पी सींग हाउ इजी इट वॉज टू मेक सो मेनी पीपल सो हैप्पी विद सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आई थॉट आई कुड लोन टू मोर पीपल और फिर क्या है जब यूनस ने देखा कि इतनी छोटी सी रकम से इतने सारे लोग इतने खुश हो रहे हैं तो उन्होंने और लोगों को भी लोन दिया आई वॉन्ट टू अरेंज लोन्स फ्रॉम देम फॉर द लोकल बैंक वैन आई अप्रोच द बैंक द बैंक मैनेजर से दे कु नॉट गिवि लोन्स टू द पुअर बिकॉज दे आर नॉट क्रेडिट वी तो इन्होंने सोचा कि बैंक जाके मदद लेते हैं लेकिन बैंक मैनेजर ने मना कर दिया कि हम ऐसे गरीबों को लोन नहीं दे सकते क्योंकि दे आर नॉट क्रेडिट वर दी यानी कि ये लोग क्या है हमें विश्वास नहीं है कि ये लोग उधार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वही जो विश्वास की बात हुई थी कि मोहम्मद यूनस ये सब क्यों बदल पाए क्योंकि उन्होंने इन लोगों पर विश्वास किया जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन नहीं करते थे और इसीलिए इनको बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम के बाहर रखा एंड दैट इज़ वाई यू नो दे के नॉट स्टार्ट एक्शन फ्रॉम माय साइड आई वांटेड टू फाइंड आउट वेदर द बैंकर वाज़ राइट तो ये चाहते थे ये परखना चाहते थे ये जानना चाहते थे क्या सही में ऐसा है क्या लोग क्या क्रेडिट वर्दी नहीं है क्या इनका पैसा लेकर भाग जाएंगे क्या ऐसा है क्या आई गेव मोर लोन्स टू मोर पीपल इन दिलेज द लोन्स वर्क एवरी पेनी वॉज पेड बैक एक पैसा वापिस आया बट द माइंड सेट ऑफ द बैंकर वॉज स्टिल नॉट डेंटेड लेकिन बैंकर अभी भी नहीं माना आई वॉज आज टू डेमोन्स्ट्रेट मोर एंड मोर उन्होंने बोला नहीं थोड़ा और भी गाँव में आप दिखाओ सो ही डिड द सेम फ्रॉम वन विलेज टू टू विलेजेस फाइव वििलेजेस ट्वेंटी विलेजेस वन हंड्रेड विलेजेस एंड मोर बट द माइंड सेट वज नॉट शेकन लूज तो यही जो एक्सपेरिमेंट किया है प्रयोग यूनस ने सौ से ज़्यादा गाँव में जाकर किया और हर जगह क्या है इन्हें पैसा अपना वापस मिला द विलेज वो प्रूवन टू बी क्रेडिट हु लेकिन फिर भी ये जो बैंक है उनका ये जो क्या है जो जो धारणा है वो नहीं बदली आई फाइनली गेव up on चेंजिंग द माइंड ऑफ द बैंकर्स तो इन्होंने भी क्या है um, यूनस ने फाइनली हाथ जोड़ दिया उन्होंने सोचा कि इनकी धारणा बदलने का फ़ायदा नहीं है आई वेंट ahead and एंड फाउंडेड अ बैंक माई सेल्फ टू कंटिन्यू was doing। इन्होंने अपना ही बैंक शुरू किया और आज वो जो बैंक है ग्रामीण बैंक जिसकी वजह से uh, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला लेंड्स मनी टू टू पॉइंट थ्री मिलियन पुअर 39,000 इन थर्टी नाइन थाउजेंड विलेजेस ऑफ बांग्लादेश एंड नाइन्टी फाइव फोर परसेंट ऑफ आर आर विमेन To date, more than $2.4 billion were given out as loans over the years. The repayment rate is more than 97%. Last year alone, we lent out nearly 400 million US dollars. तो आप देखिए रिपेमेंट रेट 97 परसेंट की यानी सत्तानवे 97 परसेंट लोग पूरा पैसा इनका वापस आ जाता है विच इज़ वे बेटर देन मोस्ट ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे आप जानते हैं तो कई जो बैंक्स हैं वो अपने क्या है लोन्स नहीं चुका वापस कर पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं इतने जो कॉरपोरेट्स से लोन माफ़ी हो रही है सरकारी लोन माफ़ी कर रही है बुरी हालत है बैंक की कितने बैंक्स क्या है बंद हो रहे हैं और लेकिन ये जो ग्रामीण बैंक का आप सक्सेस देख सकते हैं क्रेडिट प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल दैट आई बीन सजेस्टिंग दैट क्रेडिट शुड बी एक्सेप्टेड एज अन राइट तो ये अब कहते हैं कि यू नो क्रेडिट जो उधार है वो एक बहुत जरूरी है खासकर गरीब लोगों के जीवन में क्योंकि उधार से क्या है उनका जीवन बदल सकता है वो कुछ अपना व्यवसाय बना सकता है वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं यू नो सो ही सेज क्रेडिट उधार शुड बी एक्सेप्टेड एज अ ह्यूमन राइट क्रेडिट शुड बी अ एक ह्यूमन uh, अधिकार होना चाहिए नो बिकॉज क्रेडिट ओपन्स अप द लॉक्ड इन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स क्योंकि जो आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जो एक यू नो जो शक्ति है जो कुछ करने की पोटेंशियल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है जो हरेक के अंदर है उधार के द्वारा उसे आप क्या है खुल सकते हैं बाहर ला सकते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंड एंड आउट विद अनलिमिटेड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ बैरियर्स क्रिएटेड बाय आर सोसाइटीज इंडिविजुअल पीपल नेवर गेट द फुल अपॉर्चुनिटी ब्रिंग आउट दर पोटेंशियल लेकिन क्योंकि जो हमारे समाज में इतने जो बैरियर्स बने हैं इसीलिए कई लोग को क्या है कभी चांस नहीं मिलता अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए उसे बनाने के लिए ना? सो दैन यू टॉक्स मोर अबाउट क्रेडिट ही सेज इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट इकोनमिक्स नेवर अंडरस्टुड द सोशल पावर ऑफ क्रेडिट कि यह कहते हैं कि एक बड़ी ताजुब की बात है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो नहीं समझ पाया कि क्रेडिट उधार की कितनी जो सोशल पावर है सामाजिक पावर है द फैक्ट दैट क्रेडिटि क्रिएट्स एंड टाइटलमेंट टू रिसोर्सेज कुड हैव इमीडिएटली ट्रिगर द थाट दैट इन अ सोशल कंटेक्स इट कुड श्योरली प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेंसिटिव रोल कि ये जो फैक्ट है ये जो तथ्य है ये जो हकीकत है क्या कि जो क्रेडिट है इट क्रिएट्स एन टाइटलमेंट टू रिसोर्सेज क्योंकि क्रेडिट की वजह से क्या है आप रिसोर्सेज का, का इस्तेमाल कर सकते हैं यू नो इस सडनली क्योंकि जो आपके पास साधन नहीं है अगर कोई आपको उधार देता है तो आप जैसे यू नो फेमस लाइन कि uh, इफ़ यू गिव अन अ फिश हीट फॉर अ डे बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश ही विल लीड फॉर इज लाइफ की यानी अगर आप किसी इंसान को एक मछली देते हो वो ठीक है उस समय एक टाइम पर खा लेगा लेकिन अगर आप उसको क्या है मछली पकड़ना सिखा देते हो या फिर मछली पकड़ने के साधन दे देते हो तो वो जीवन भर खा सकता है तो बेसिकली क्या है उस तरह का अगर आप टू जस्ट एक्सटेंड दिस एक्नोलॉजी कि अगर आप उधार किसी को दे दे और वो क्या है मछली पकड़ने का जाला ले लें या फिशिंग रॉड ले लें तो फिर क्या है वो एक्चुअल में आत्मनिर्भर हो जाएगा उसे रोज आके आपसे मछ नहीं मांगनी पड़ेगी मछली बेच बेच के आपका पैसा भी कर दे उसने जाला या जो भी रिजॉर्ट खरीदा था सो बट बट अमेजिंगलीकॉनिक्स नेमेजिंगलीसपर्ट्स है किताबी जो एक्सपर्ट है उन्हें ये कभी समझ नहीं आया शायद क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एसी हॉल्स में बैठ के अपनी किताबें लिखते हैं सो सिंस क्रेडिट क्रेडिटिट्स इकानमीज़ इकॉमानमिक एंड हैंड सोशल पावर द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉसिबल फॉर डिसाइडिंग हु शुड एंड शुड नॉट गेट क्रेडिट हु शुड गेट हाउ मच क्रेडिट एंड एट वाट टर्म्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशली तो इसीलिए जो बैंकिंग सिस्टम्स है जो लेंडिंग सिस्टम्स है ये बहुत इनका बड़ा रोल होता है क्योंकि यही लोग डिसाइड करते हैं कि किसको उधार मिलेगा किसको नहीं मिलेगा और किसको कितना मिलना चाहिए एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपन जो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है यू नो तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक यू नो फाइनेंशियल अपरथाइट बना दिया है कि जो ये जो नस्ल भेद होता था जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट के बीच में गांधी जिससे साउथ अफ्रीका में भी लड़े तो उस तरह का इन्होंने एक यू नो एक डिवीजन बना दिया है अमीर और गरीबों के बीच में और इसकी वजह से तो क्या है गरीब कभी भी अमीर तो दूर की बात है लेकिन कभी भी अपनी स्थिति शायद ना संभाल पस, को सुधार पाए वो बस क्या है हमेशा अपना बस सर्वाइवल पे ही लगे रहेगा बस पेट पालने की ही वो कर पाएगा क्योंकि कभी भी अगर उसके पास उस तरह का उधार नहीं आएगा जिससे वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट नई अपॉर्चुनिटीज़ नए रिसोर्सेज अनलॉक करे सो देन ही विल ऑलवेज रिमेन देयर यू नो सो या वेन दीज एक्सपर्ट्स अनाउंस दैट पुअर वॉर नॉट क्रेडिट वर्दी कि जो गरीब लोग क्रेडिट वर्दी नहीं है ये लोग उधार नहीं चुकाते हैं तो फिर क्या है कहीं ना कहीं इट वॉज ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिंग अ डेथ सेंटेंस ऑन द पुअर फॉर नो फॉल्ट ऑफ देर ओन तो वही है कि जो जब बैंक्स ने बोल दिया कि हम गरीब लोग जो है क्या ये इन पर विश्वास नहीं कर सकते ये लोग क्या भाग जाएंगे पैसा लेके तो कहीं ना कहीं आपने गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दिया इट वाज लाइक अ डेथ सेंटेंस और इकोनॉमिक्स ने भी ये जमशन मान ली एज अ सोशल साइंस अगेन ही सेज यू नो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ टिपिकल थिंग इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस दैट डील्स विद वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स रियल थिंग्स बट इट डील्स विद दम इन एब्सट्रैक्शन सो इट इज एज अ सोशल साइंस इकोनॉमिक्स शुड हैव रिकोगनाइज क्रेडिट एज अ ह्यूमन राइट एंड शूड हैव प्रोमोटेड क्रिएटिव एफर्ट्स टू डिलीवर क्रेडिट टू ऑल सो इज़ इज़ इंस्टेड ऑफ़ जो आजकल जो हम इकोनॉमिक थ्योरीज बनाते रहते हैं बड़ी बड़ी जी डी पी को कैसे बनाना है ये सब कैसे करना है उसकी जगह अगर क्या है हम ये थोड़ा सोशल एस्पेक्ट देख लेते तो शायद यू नो इकोनॉमिक्स वुड हैव इंस्टेड राइट टू प्रोवाइड लाइक यू नो इट क्रेडिटि टू ऑल यू नो कि ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले इफ़ वी कैन रीडिज़ाइन इकॉमिक्स एज ए जेनुइन सोशल साइंस वी कैन बी फॉर्मली ऑन आर वे टू क्रिएटिंग पावर्टी फ्रील्ड तो इसलिए कहते हैं कि अगर सही में अगर हम इकॉनमिक्स को एक थोड़ा रीडिज़ाइन कर दें एक अलग नजरिए से देखने लगें क्रेडिट के नजरिए से और कैसे इट कैन भी ह्यूमन राइट यू नो दैन तभी वो एक असली जेनुन सोशल साइंस बनेगा और तभी हम इस सपने की तरफ जा सकते हैं कि जो कि क्या है एक गरीबी दुनिया का देन uh, ही कम्स डाउन टू एंटरप्राइजेज एंटरप्राइजेज ड्रिवन बाय सोशल कॉन्शियसनेस वही कि जो उस तरह के व्यवसाय या बिजनेस जो कि सामाजिक uh, दृष्टि से चल रहे हैं यानी उनका जो मेन uh, मुद्दा प्रॉफिट या ग्रीड नहीं है लालच नहीं है उनका मेन मुद्दा क्या है सामाजिक सुधार का सोशल वेलफेयर का

चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना होगा और इसलिए कहते हैं इवन कैपिटल्स इकॉनमी कैन बी लुक डैट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नो कि सिंस इकॉनमिक्स परसपेक्टिव तो वही है क्योंकि इकोनॉमिक्स ने बोला कि हाँ फ्री मार्केट वर्क्स बाय ग्रीड एंड प्रॉफिट कि प्रॉफिट मोटिव होता है उसी से ही सब कुछ चलता है तो हमने भी मान लिया क्योंकि हमें बताया गया महान एडम्स मेथ एंड ऑल दीज पीपल ग्रेट इकोनमिक्स एज अ रिजल्ट इट बिकेम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉपर्सी प्रॉफेसी और इसीलिए क्या है ये उस तरह की प्रॉफेसी बन गई जो अपने आप को ही एक चक्र में क्योंकि हम इकोनॉमिक्स हमको बोलते हैं कि नहीं लालच से ही होगा तो हम भी लालच से ही चलते हैं उसके बाद फिर थ्योरी प्रूव हो जाती है हाँ लालच से ही होता है और ये चलते रहता है चक्र ओनली सीकरस ऑफ पर्सनल गेन गोइंग टू द मार्केट प्लेस एंड ट्राई द टैलेंट तो इसीलिए क्या है इस वजह से क्या है जो बस जो प्रॉफिट वाले जो लोग हैं जो बस प्रॉफिट चाहते हैं वही लोग मार्केट में घुसते हैं जिन्हें क्या है ज्यादा शौक नहीं है धन का पर्सनल वेल्थ कमाने का, का वो लोग क्या है इसीलिए फिर मार्केट से दूर रहते हैं वो कुछ और करते हैं काम अपना सो इस इज बट

स ड्रंटरप्राइजेस कैन भी फॉर्मेडेबल कंप्यूटर्स टू ग्रीड बेस्ड एंटरप्राइज और वो कह सकते हैं टक्कर भी दे सकते हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल ग्रीड बेस्ड एंटरप्राइजे को एंड इंडिविजुअल सोशल कॉन्शियसनेस एंड दी अर्थ टू डू गुड थिंग्स फॉर पीपल ऑन दिस प्लान कैन बी एज बर्निंग एंड इवन अ मोर बर्निंग डिजायर दैन पर्सनल गेन तो कहते हैं कि ये भी एक बहुत ही एक, इंस्पिरेशनल फोर्स हो सकती है पर्सनल प्रॉफिट से ज़्यादा यू नो क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो लोग सही में ऐसे जो सामाजिक समाज के लिए काम करते हैं उनमें एक अलग ही आग होती है कर्म करने की यू नो एंड दे हैव मोर मोर बर्निंग डिज़ायर टू वर्क क्योंकि ठीक है अगर आप पैसा कमा रहे अपने लिए कमा रहे ठीक है दैट इज़ ऑफ कोर्स अ मोटिवेशन बट अगर आपके काम के द्वारा या फिर आपके आइडियाज़ के द्वारा कई और लोगों का भी अगर भला हो रहा है सामाजिक सुधार हो रहा है तो उसकी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है नहीं?

बट इट कैन बी फर्दर प्रमोटेड थ्रू क्रिएटिंग सपोर्टिव लेजिस्शन एंडर सोशल तो वही बट इसके लिए क्या है सपोर्टिव कानून चाहिए सिस्टम्स चाहिए ताकि हम ग्रीड प्रॉफिट के लिए लाइक वी नीड टू यू नो एनकरेज सोशल ऑन्टरप्रीनरशिप्स इस तरह के जो अगर जो कुछ लोग ऐसा काम शुरू कर रहे हैं सामाजिक काम शुरू कर रहे हैं तो उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए इफ वी लो लीव नो रूम फॉर दिस ह्यूमन क्वालिटी इन आर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज वी हैव डन इन प्रेजेंट इकोमिक्स वील बी ट्रांसफार्मिंग आर सेल्स इन टू द ह्यूमन बींग्स दट वी हैव कंजर्डअप अप इन अदर वर्ल्ड्स ह्यूमन बींग्स विदाउट सोशल वैल्यूज तो कहते हैं अगर जो प्रेजेंट जो इकॉानमिक्स है कि नहीं तो अगर हम चलते रहे अगर हमने बदला नहीं इसको तो फिर हम सही में वही इंसान बन जाएगा जो इकॉनमिक टेक्सट बुक्स हमें बताती है यू नो ह्यूमन बींग्स विदाउट एनी सोशल वैल्यूज़ बस जो क्या है सर्वाइवल के लिए जो चल रहे हैं लेबर इकॉमिक्स मस्ट इनकॉर्पोरेट विद इन इट सेल्फ अ मार्केट प्लेस दैट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव प्ले ग्राउंड फॉर ब्लड थर्सटी प्रॉफिट सीकर सेम थिंग्स की चैलेंज कि आ, जो कैपिटलिस्ट मार्केट बस उन्हीं के लिए नहीं है प्रॉफिट सीकरस के लिए नहीं है वो सभी के लिए सामाजिक So, समाज सुधार के लिए भी हो सकता है एंड देन नेक्स्ट सेक्शन द वर्ल्ड क्रिएटेड बाई माइंड तो इसी के चलते आगे चल रहे वी हैव क्रिएटेड द प्रेजेंट वर्ल्ड इन दिस पर्टिकुलर माइंड मैनर बिकॉज आर माइंड वो ट्रेन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेज दैट लिट टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इफ यू ट्रेन आर माइंड टू थिंक डिफरेंटली वी कैन क्रिएट अनहदर माइंड काइंड ऑफ वर्ल्ड तो ये कहते हैं कि अभी तक की जो जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं जो जिस तरह से डेवलप हुई है वो क्या है इसीलिए हुए क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं यू you नो know, कि जो हम सोचते हैं एनविजन करते हैं वही हम फिर क्या है वी ट्राई टू मैनिफेस्ट इट लेकिन इसी तरह अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करें थोड़ा अलग नज़रिए से देखने में तो हम क्या है एक अलग तरह की दुनिया भी बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी ऑलवेज़ है पुअर पीपल अराउंड अस कि जय उदाहरण के तौर पर यू नो कि हमने बस कहीं ना कहीं ये मान रखा है कि क्या है गरीबी हमेशा रहेगी हमारे पास कुछ लोग अमीर रहेंगे कुछ लोग गरीब रहेंगे जो कि एक बहुत गलत एसम है यू नो अगर आप देखें तो लॉर्ड ऑफ स्टडीज हैव शोन कि पूरे जो यू नो जो ग्लोबल इकॉनमी जो दुनिया की जो अर्थशास्त्र है उसमें देर इज़ इनफ रिसोर्सेज इनफ वैल्यू टू फीड एवरी वन टू एवरी वन टू हैव अ गुड लाइफ गुड एजुकेशन ऑन ऑल ऑफ दैट बट हकीकत में क्या है जो नब्बे प्रतिशत या निन्यानवे प्रतिशत जो पूंजी है वो कुछ एक प्रतिशत पॉपुलेशन के पास है और जो ये जो क्या है और जो निन्यानवे प्रतिशत जो पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है उसके पास बस क्या है पूंजी का जो टोटल अमाउंट में से बस कुछ एक परसेंट है इस तरह की बातें हैं यू नो दिस ग्लोबल इनक्वालिटी इज टू मच तो ये कहते हैं हम ये मानकर चल रहे हैं ना हमने ये मान रखा है कि कुछ लोग अमीर होते हैं कुछ लोग गरीब होते हैं सो हिस इज़ वी नीड टू चैलेंज दीज वेरी बेसिक एजम्पन्स ओके okay, क्योंकि इफ़ यू हैड बिलीव दैट पॉर्टी शुड नॉट बिलीव बिलोंग इन अ अविलाइज ह्यूमन सोसाइटी वी वुड हैव क्रिएटेड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज टू क्रिएट अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड क्योंकि अगर हम सही में मानते कि एक जो सभ्य समाज सभ्य ह्यूमन सोसाइटी में गरीबी की कोई जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं हम शायद इस मुकाम पर पहुंच जाते यू नो टू क्रिएट और या फिर एटलीस्ट कम से कम इस तरह के हम कोशिशें करते हैं इंस्टीट्यूशन बनाते पॉलिसीज बनाते क्योंकि वी वॉन्टेड टू गो टू द मून सो वी वेंट देयर चांद पे हम पहुंच गए लेकिन अपने घर का अपने आसपास हम नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि शायद हम करना नहीं चाहते ये कहते हैं सो इफ यू आर नॉट अचीविंग समथिंग माई फर्स्ट सस्पेशन विल फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ अवर डिजायर टू अचीव इट ही सेज यू नो कि शायद हमारी जो इच्छा है गरीबी हटाने की वो इतनी स्ट्रांग ही नहीं है यू you नो know? कि जैसे हम यू uh, एस है तो अगर हम चाइना को ख़त्म करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा यू एस के गरीबी वैसे ही हमारा क्या है हम पाकिस्तान से लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने देश की गरीबी हटाने में नहीं सो इस इज़ लाइक यू नो समेयर दिस इंटेंसिटी ऑफ आर डिज़ायर्स नीड टू बी रिजेक्ट फाइनली देन यू नो ही कम्स डाउन टू द ड्रीम क्रिएटिंग अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी कैन क्रिएट अ पावर्टी फ्री वर्ल्ड इफ़ वी वॉन्ट टू तो ये कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम चाहें तो हम एक गरीब गरीबी मुक्त दुनिया जरूर बना सकते हैं यू नो इस, इस तरह के दुनिया में कहते हैं कि जी, बस एक ही जगह गरीबी मिलेगी म्यूजियम्स में और बच्चे देखेंगे और हैरान होंगे अच्छा लोग क्या पहले ऐसी दुर्दशा में रहते थे इतनी गरीबी में रहते थे तो और फिर ये आगे चल के कहते हैं कि जो इनका काम है जो ग्रामीण बैंक में इन्होंने काम किया है उसने इन्हें बहुत उम्मीद दी है इट हैज़ गिवन हिम फेथ इन द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स कि अगर इंसानों को क्या है सही मौका मिले सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो क्या है बहुत कुछ कर सकते हैं दैट लीड्स मी टू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट बॉर्न टू सफ़र द मिजरी ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी दे हैव मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू एंड स्ट्रगल फॉर फिजिकल सर्वाइवल तो इसीलिए कहते हैं यू नो कि उनका मानना है कि इंसान का रोल बस फिजिकल सर्वाइवल का संघर्ष नहीं है जिस तरह से जानवर लगे रहते हैं ना जानवरों को बस अपना जीवन निकालना है खाना है कहाँ से खाना आ रहा है कहाँ से बस सर्वाइव करना है फिजिकल सर्वाइवल तो बोलते इंसान इससे आगे इससे ज़्यादा उसके लिए बना है यू नो दे इज मोर पोटेंशियल दे सफर फ्रॉम मिजरीज एंड डिग्निटीज ऑफ पॉवर्टी बिकॉज वी ट्रेन आर माइंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नो बडी कैन डू एनी थिंग अबाउट पॉवर्टी एक्सेप्ट बाई ऑफरिंग चैरिटी गरीबी और ये जो इसके संघर्ष ये जो इसलिए हैं अभी तक क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि ज़्यादा गरीबी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट चैरिटी दान दे सकते हैं बस दैट्स इट यू नो बिफोर आई कंक्लूड माय रिमार्क्स आई सिंपली विश टू एनकरेज ऑल ऑफ़ यू टू रिमेंबर इ रिस्पेक्टिव वॉट वॉट यू लर्न इन इ ऑफ वॉट यू लर्न इन स्कूल ऑलवेज बी रेडी टू अनलर्न लर्न एंड री तो एंड में यू नो यूनस क्लोजेज विद सम वेरी लाइक यू नो गुड वर्ड्स एडवाइस दे रहे हैं यंग uh, लोगों को क्या कि चाहे आप स्कूल में जो भी पढ़ें लिखें जो भी आप सीखें व्हाट एवर यू लर्न ऑलवेज बी रेडी टू अनलर्न एंड रीलर्न हमेशा तैयार रहिए कि जो भी आपने पहले सीखा है शायद वो गलत हो सकता है सो अनलर्न दैट सब कुछ भिला के बी एबल टू relearn फिर से एक नए सिरे से आप चीज़ें सीखें यू नो ये एक आप में इच्छा होनी चाहिए क्योंकि जब सही में जब आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे वास्तविक दुनिया में और काम करने लग जाएंगे तब आपको पता लगेगा यही जो थ्योरी और हकीकत रियालिटी थ्योरी और प्रैक्टिस का जो फ़र्क है एंड देन ही सज डोंट गिव अप ड्रीमिंग बी ए ड्रीमर सपने देखना मत बंद कीजिए यू नो बी ए ड्रीमर एंड कीप ऑन ट्राइंग टू मेक द ड्रीम कम ट्रू और कोशिश करते रहिए उस सपने को सच करने की ड्रीम अबाउट द वर्ल्ड यू वुड लाइक टू हैव एक ऐसे दुनिया के बारे में स्वप्न लीजिए ड्रीम कीजिए उस जिस तरह की दुनिया आप देखना चाहते हैं यू नो जिसमें आप जीना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिए इफ वी ऑल ड्रीम अबाउट अ बेटर वर्ल्ड आई कैन गारंटी यू दैट वी विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड तो ये कहते हैं अगर हम सही में हम सभी मिलकर एक अच्छे यू नो इफ वी ड्रीम अबाउट अ बेटर वर्ल्ड एक अच्छे दुनिया एक बेहतर दुनिया की इच्छा करें तो ज़रूर ऐसा होगा वी विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड क्योंकि हम जो चाहते हैं हम जिस तरह से सोचते हैं वो उसी तरह का काम करते हैं और उसी तरह की दुनिया बनती है क्योंकि जैसा इन्होंने बताया अब इससे पहले भी ऐसा ही चल रहा था <laughs> जिस तरह से हम सोचते थे जिस तरह से हम अर्थशास्त्र को पढ़ते थे जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स को देखते थे जिस तरह से हम बैंकिंग को समझते हैं हमने उसी तरह की दुनिया बनाई उसी तरह के कानून बनाए तो ये कहते हैं अगर हम ये नज़रिया थोड़ा बदल दें यू you नो know, इक्वल uh, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं सबको क्रेडिट एज ए ह्यूमन राइट दें तो फिर क्या है हम अलग दुनिया बना सकते हैं सो या दैट्स दस एम वेरी पावरफुल थॉट्स आई फील थिंक अबाउट इट मोर एंड या सो इसी के साथ आपका कोर्स खत्म होता है बस एक दो आई थिंक थोड़े ग्रामर के टॉपिक्स बचे हैं उस पर हम लाइक यू नो थोड़े टाइम बाद उस पर वीडियो बना लेंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी इन द कॉमेंट्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और फाइनली हाँ रही एग्जाम्स की बात अभी बहुत समय उसकी चिंता मत कीजिए वी विल डील विद दैट व्हेन द टाइम कम्स एक दो वीडियोस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना देंगे यू नो दैट्स वॉट विल डू और या अंटिल देन अगेन लाइक यू नो एज आई कीप सेइंग प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन द लैंग्वेज यू नो एग्ज़ाम तो आप पास कर लेंगे खासकर अब जो सिस्टम बना है यू नो यू जस्ट नीड टू गेट फोर्टी आउट ऑफ हंड्रेड तो एग्जाम पास हो जाएगा ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज एक आपको जीवन भर इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल दैट विल कम इन हैंडी अगर आपको इंग्लिश आती है क्योंकि अगैन जैसे मैंने आपको बार बार बोला है इट्स नॉट अबाउट कि इंग्लिश महान लैंग्वेज है हिंदी ज़्यादा uh, हिंदी से ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज है ऐसा नहीं है बट इज़ जस्ट दैट की प्रैक्टिकल रीजन हकीकत वास्तविकता में चाहे आप क्या है वो ये अगैन थ्योरी में आप कितना भी बोले मेरा देश महान ये वो हिंदी मातृभाषा है या फिर जो भी आपकी मदर टंग है लेकिन वास्तविकता में इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज प्रैक्टिकल लैंग्वेज इन आर टाइम तो इसलिए आपका बहुत फ़ायदा होगा और आप सीख लें सो ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज है वर्क ऑन द लैंग्वेज ग्रामर एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रैक्टिस करते रहिए रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग चार स्किल्स हैं है ना सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड देन आई विल सी यू